अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है हमारी फ़िश के हवाले से, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जो है वो फ़िश बनाने लगे हैं। लेकिन आज जो हम फ़िश बना रहे हैं उसकी रेसिपी है मसाले वाली फ़िश। तो आज हम आपको मसाले वाली फ़िश, मतलब जो सालन वाली है मछली, वो बनाना सिखा रहे हैं। और ये कैसे बनेगी, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मछली ले ली मैंने, इसके तरह पीस उठा कर आप दिखा देंगे मतलब किस तरह किस शेप में कटे हुए हैं। ये इस तरह के कटवाए हैं पीस। हाँ जी, ये सालन वाली कह दो ना उन्हें, तो वो काट देते हैं। ये पूरी एक मछली है, ठीक है। अच्छा जी, ये आधा चम्मच दादरी मिर्च का है, आधा चम्मच हल्दी का है, और नमक मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि नमक मछली को लगा हुआ है। आधा चम्मच समझ ले मछली को, मतलब ये नमक है पिसा हुआ, तो आधा चम्मच है मतलब ज़ीरे का, ये एक चम्मच है साबुत पिसी हुई मिर्च का, पाउडर मिर्च का। अच्छा, थोड़ा सा धनिया है, पाँच छः हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, ये तीन टमाटर लिए मैंने, ये मैंने ले लिए प्याज, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तीन बड़े बड़े से मसाले के लिए। वो आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप ले लें, ठीक है। तो अब मैं इसमें ना तेल डालती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये लहसुन भी डलेगा इसमें, ठीक है। तो ये तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं, और अब हम अपनी जो सी है रेसिपीज को शुरू करते हैं। तो प्याज हम लोगों ने पहले ब्राउन करने हैं। हाँ जी, तो उसके बाद देखना है हम लोगों ने कि क्योंकि मछली, क्योंकि सीज़न है, सर्दियां हैं और बहुत बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, तो इसको हम लोगों ने फ्राई में भी आपको सिखाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी रेसिपीज पहले भी हमने शेयर की हुई हैं, और आज हम आपको सालन वाली जो सी मछली बनाना सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने व्यूअर्स कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना कि मज़ेदार सी जो सी फिश है वो कैसे तैयार होगी। मैंने प्याज रख दिए ब्राउन होने के लिए। तो जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि हम लोग आपको मछली बनाना सिखा रहे हैं, तो प्याज हम लोगों ने पहले बनाने हैं, उसको मसाला तैयार करना है, और उसके बाद हम लोगों ने किस स्टेज पे जो फिश है उसको ऐड करना है वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना। हाँ जी, ये मैंने लहसुन डाल दिया भूनने के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोग इसके प्याजों का कलर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने प्याज डाले थे, और ये पकने के बाद कितने थोड़े से हो गए हैं, तो कम हो गए इसके मिकदार, मतलब ये मतलब पकने के बाद शीलिंग हो चुके हैं। और हमने इस स्टेज पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको फिर मज़ीद पकाना है। तो मामा, इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या शामिल करेंगे? बेटा, टमाटर डालते हैं, फिर मसाले डाल के ना थोड़ा सा ना पकने के लिए रखते हैं, नरम हो जाए और थोड़े से, तो फिर इसके बाद हम मछली डालेंगे। ओके, तो बहुत ही मतलब आसान तरीके से हम आप लोगों को मछली बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर्दियां हैं तो आप हमसे ये जो सी है मछली का सालन बनाने की जो है रेसिपी उसको शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने पहले मछली के हवाले से आपके साथ रेसिपीज शेयर की हुई है, हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन सालन के हवाले से तो फिर हमने सोचा कि आज चले सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और मछली खाने का सीज़न भी है, वैसे तो मछली 12 महीने ही खाएँ तो उसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन मतलब सर्दी के हवाले से, विंटर के हवाले से जो सा है वो मछली को ज़्यादा ही हम लोग प्रेफरेंस देते हैं इसके इस्तेमाल को। और वैसे हम लोग मतलब आम रूटीन में गोश्त और मुर्गी वगैरह तो बनता ही रहता है, तो आज इसीलिए हम लोग आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले प्याज को ब्राउन कर लिया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और हम लोगों ने वही तीन टमाटर जो से आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाए थे वो शामिल कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा हम लोगों ने कौन कौन से स्पाइस लिए हैं और उनकी मिकदार क्या है। इसलिए व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी समझ लग सके हम लोगों ने कौन सी चीज़ें ली हैं, कितनी मिकदार ली है, तो फिर आप लोगों से कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हम लोगों ने प्याज यहाँ पर रखे हुए पकने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है घी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद कलर देना है इसको, तो थोड़ी देर हम लोग इसको और प्याज़ों को फ्राई करते हैं, मतलब घी के अंदर पकाते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एग्जैक्ट हमें कलर चाहिए वो वैसा नहीं आया, तो फिर 5 मिनट इसको हम लोग और पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी भून लिए हैं, लहसुन भी भूना गया है, अब और थोड़ा सा भून के ना मैं मसाले डालती हूँ इसमें। हाँ जी, ये देखें, ये दादरी मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा नमक, ये देखें ना थोड़ा सा नमक डाला मैंने क्योंकि मछली को लगा हुआ है, आधा चम्मच जीरे का। चलिए ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी, अब मैं ना इसे ना 2-3 मिनट भूनती हूँ मसाले को अच्छी तरह,
क्योंकि ये मसाले डाले ना इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आई है जब हम लोगों ने कदम मसाले डाले हैं, क्योंकि अच्छे से हम लोगों ने भून लिया है। और मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार चीज़ का तस्करा किया है कि आपकी जो सी रेसिपी है उसका जो टेस्ट डिपेंड करता है उसकी भुनाई पर है, कि जितना अच्छा आप उसके मसाले को तैयार करेंगे, भूनेंगे दिल से प्यार से और अपनाइए से, आप जो भी काम करते हैं उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही ये जो सी रेसिपी हम दिल से बना रहे हैं मम्मा हमारे लिए और अपने व्यूवर्स के लिए, तो इसकी जो सी खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। बच्चे ये मसाले वाली मछली पसंद भी करते हैं ना साथ, तो ये है ना कि मछली तो जल्दी से हो जानी है बेटा। हाँ उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं, ये सारा मसालों का है बस, बस आपने ज़्यादा मसाला तैयार करना। हाँ जी मसालों का, अब थोड़ी देर पानी डाल के ना इसे। और वैसे ही मछली बनाने की एक मतलब खास ट्रिक होती है कि बहुत ज़्यादा आपने उसको कुक भी नहीं करना होता और मतलब कच्चा भी ना रहे, क्योंकि वो मतलब कहते नहीं हवा में होना, उस तरह उसका असर होता है, जल्दी से बन जाती है, चिकन से भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो थोड़ा सा उसको मतलब उसकी शक्ल भी बरकरार है, जो उसके पीसेज वो भी ना टूटे। मतलब अक्सर मैंने देखा लोगों को वो मछली बनाते हैं उनकी जो मछली है वो पीसेज टूट जाते हैं सही तरह से, मतलब वो नहीं रहते जिस तरह मतलब उनको बनाया जाता, तो फिर अजीब सा एक लगता है देखने में, अच्छा नहीं लगता। वो हमारे मिलने वाला बच्चा आया तो वो कहने लगा हम तो मछली बाजार से मंगा के खाते हैं, तो कहने लगा आपने क्या पकाया, मैंने कहा मैंने आज ना मछली, कहता आंटी आपको मछली पकानी आती, मैंने कहा हाँ मेरी मम्मा को भी सिखा रहे, मैंने कहा बेटा सीख ले आपकी मम्मा भी, तो कहता हमें तो नहीं मछली पकानी आती मेरी मम्मा को, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पकानी नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं आती बनानी, तभी हम लोगों ने कहा कि आज हम रेसिपी शेयर कर दें आपके साथ, ताकि जिन लोगों को नहीं आती ये चैनल आप लोगों के लिए, तो आप इससे इस्तेफादा उठाएं और इस मछली की रेसिपी को बना के हमें दुआएं दें। 5 मिनट हमने भून लिया, अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना जैसे प्याज और हो जाए बस, अब हम पकने के लिए रख रहे हैं ढककर। हाँ जी ये थोड़े से प्याज हो जाए फिर हम मछली डाल देंगे, मछली तो बहुत जल्दी हो जानी है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना। हाँ जी अच्छी तरह ना इसे ना हिला देते हैं, क्योंकि वो बाहर में हिलाना नहीं ना इसे, दे क्योंकि बार बार हिलाएंगे ना ये टूट जाएगी। और ये मसाले इसमें ना हो गए, तो अब हम लोग इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए। नहीं बेटा ऐसे ऐसे ना ऐसे हिलाते रहेंगे इसे, ऐसे पके। अच्छा मतलब चम्मच नहीं हम लोगों ने हिलाना, बस ऐसे देख की को ना ऐसे आगे पीछे करके ना ऐसे, क्योंकि इसे हिलाना नहीं ना अब ये टूट जाएगी, मैंने पहले मिक्स कर दी ना, अब ये 10-15 मिनट में हो जाएगी जी। तो व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मछली जोन सी है वो पक रही है और हम लोगों ने इसके चम्मच जोन सा बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वैसे इसको हम लोगों ने जोन सा है बर्तन की हुई हम लोगों ने हिलाना है और इसको मतलब पलटना है, तो बहुत आप लोगों ने केयरफुली ताकि जो पीसीज है वो टूट ना जाए। तो अब इसको हम लोग मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाते हैं, उसके बाद उसको गार्निश करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स अब जोन सी हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, तो अब इसको हम लोग गार्निश कर रहे हैं, उसको हम लोग धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। ये हरी मिर्चें भी है इसमें, बेटा गरम मसाला लेके आना, ये देखिए मैंने गरम मसाला भी डाल दिया इसमें, ये देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त बहुत उम्दा आ रही है। हाँ जी हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं हम लोग। हाँ जी माशाल्लाह खुशबू बहुत 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 ज़बरदस्त बहुत उम्दा आ रही है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, और जो घी है वो भी आ चुका है माशाल्लाह, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये। तो इसको अब हम लोग डिश आउट कर रहे हैं, तो पीसीज देख ले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटे हमारे, और बहुत ही अच्छे से जोंसी है वो हमारी सालन वाली फ़िश है वो तैयार हो गई है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है।
तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी जो सी रेसिपी है वो फाइनल हो चुकी है और हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लिया है और नींबू के साथ हम लोगों ने इसको गार्निश किया है। उससे पहले हम लोगों ने इसके धनिया हरी मिर्च डाला था। नींबू को स्क्वीज़ करें और इसको गर्मा गर्म नान के रोटी के साथ खाएँ। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है जो हम लोगों ने आप लोगों को बनानी सिखाई है मछली के हवाले से, मछली का सालन पसंद आएगा। पसंद आया तो अपनी फीडबैक दें। इसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको उस तरह की मजीद अच्छी अच्छी जो सी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स जब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मछली को बनाएं और एंजॉय करें, हमें अपनी फीडबैक दें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।